साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया, इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं, न कोई धर्म जाति पूछते हैं, तो क्या दूसरा कानून आपका निकाल देने के लिए करेंगे क्या? बच्चे जैसी बातें करते हो? कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने चिल्ला दिया कि वो देखो क्या चल रहा है। अब मैं बताता हूं, ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला, वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया। और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई, पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली, अर्बन नक्सल, ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिख भी ये भी पूछ रहे हैं, ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है? कैसा झूठ, कैसा! और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई, डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे, हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई, कुछ तो अपनी शिक्षा की कदर करिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई
डिटेंशन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।